व्यू, मजा आ गया भाई। वाओ ब्यूटीफुल। तो फिर आगे वो छोटे वाले को तो मार दिया था इसने, तो अभी चलते हैं। अरे मस्त आनी मस्त है। ओ भाईजी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप देसी ब्लॉग्स पे। सो आज है 18 जनवरी और आज है मेरा ऑफ। सो लेट उठा, अभी उठ ही रहा हूँ, बस उठ के मौत हो के मैं जा रहा हूँ सैलून बाल कटाने के लिए। बाल भी थोड़ी बड़े हो गए, बाल कटा लेते हैं थोड़ी बहुत। और अभी मैं ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रहा हूँ इसे अपने गार्डन से नीचे, दिखा रहा हूँ आपको गार्डन जिनमें कुछ ऐसा रहता है। सॉरी, मैं जा रहा हूँ सामने वाले रूम पे क्योंकि वहाँ पे भी कोई आ रहे हैं, उनका कॉल आया था कि चलते हैं सैलून की तरफ। देखते हैं, जाते हैं सैलून की तरफ, देखते हैं क्या होता है आगे का। तो देखिए यह है सामने वाला रूम, यह है बीच के लिए रास्ता, इधर से चलते हैं। और इधर पे लॉन्ड्री वाले भी हैं कोई, इधर उन्होंने ही धो के डाले हैं चादर वगैरह। तो देखिए यह है स्कूटी, इसी को लेके चलेंगे साइड। अभी मैं पहुंच चुका हूँ सैलून पे, देखते हैं आगे बाल कटाते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या करना है। सो अभी बच चुके हैं शाम के 5 और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। आज ऑफ था, सो भाई लोग भी है बीच पे, आज बहुत लोगों का ऑफ जा रहे हैं। आज आ रहा हूँ अंजुना बीच, यही रूम के पास में है। सो हमने कहा शाम के टाइम क्यों ना थोड़ी बहुत घूम लिया जाए, क्योंकि आज छुट्टी है तो छुट्टी तो ऐसी निकल जाएगी ना, थोड़ी बहुत घूमना भी चाहिए कभी कभी, क्यों क्या बोलते हो। और हमारे साथ आ रहा है हमारा डब्बू। डब्बू ले इधर 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 इधर, चल 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 चल, इसको हम रूम में लॉक करके आए फिर भी आ गए। नीचे वाले दरवाजे बंद, ऊपर से आ गया भयंकर। चलते हैं आप, क्योंकि वहाँ ये लड़ाई करते हैं ना, इसलिए इसको ले नहीं जाते क्योंकि वहाँ बहुत सारे डॉग्स होंगे, तो ये उनके साथ बस इसका बन जाएगा वहाँ पुतला। चलते हैं अभी, मिलते हैं आपको बीच में जाने के बाद, देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। बीच का रास्ता तो ऐसा है कि देखने लायक। सो अभी पहुँच गए हम बीच के किनारे, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे तो, 1 मिनट लगता है ना, 1-2 मिनट लगते हैं रूम से यहाँ पहुँचने में बस। ये देखिए आप सामने का व्यू, ओ हो सनसाइड व्यू, मज़ा आ गया भाई। अरे वाह, अरे मस्त आनी मस्त है। ओ भाईजी मस्त आनी। और यह जोसफ भाई जो कि है नेपाल से, ये देखिए आप नज़ारा देखिए ना, आज समंदर काफ़ी बड़ा हुआ है ये देखिए। और वो उधर देखिए सनसाइट का बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सनसाइट के टाइम पे यहाँ पे, तो अभी उस साइड को जाएंगे तो और ज़्यादा भीड़ रहेगी। उस साइड को हम जा नहीं रहे,
हम जा रहे हैं उस साइड को, देख रहे हैं अगर उस साइड पे जाते हैं, क्योंकि उस साइड को हम बहुत बार जा चुके हैं उधर को। तो अभी इधर को चलते हैं, देखते हैं आज वहाँ का नज़ारा कैसा है, आके क्या दिखता है वहाँ हमें। चलो धर्मेंद्र चलें चलें चलें, चलो फिर। तो अभी हम उधर को नहीं जा रहे हैं, उस साइड को नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उधर को ना यहाँ पे पानी फुल है, सो जाने का रास्ता नहीं है, तो ऊपर से होते हुए जाना पड़ेगा हमें उधर। तो हम सोच रहे हैं इधर को रहने देते हैं, इधर को ही चलते हैं, उधर को फिर कभी चलेंगे, क्योंकि अभी यही है, बहुत टाइम तक यही है हम। देखते हैं उधर को चलते हैं घूमने के लिए, क्या उधर को ऐसा है, देखिए यहाँ पत्थर, मज़ा आ जाता है देख के, कुछ और ही मज़ा आ जाता है। ये है हमारा डब्बू जो कि हमारे साथ ही आ रहा है, चलते हैं अभी देखते हैं आज कहाँ कहाँ घूम पाते हैं हम। ओहो हो भाई, इस साइड का व्यू भी नज़ारेदार ही है भाई, ये देखिए आप, देखिए वो सामने उधर पैरासोट पूरा रहा है, उधर पैरासोट रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी अच्छे चलते हैं ऐसे तो। अभी जा रहे हैं हम अपने रूम पे, और मेरे हाथ पाथ एक रूम पे ठंडा, क्योंकि है कुत्तों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ आया हमारे रूम का ये डब्बू, और उसको काटने के लिए आ रहे हैं। एरिया एरिया का फर्क है, अभी उनके एरिया में आ रखा है, तो इस वजह से अभी इसके साथ हमें साथ देना पड़ेगा। सही, देखिए डब्बू आ जा, आ इधर डब्बू, आ इधर आ जा। सही, देखिए हमारे से उसको पता है इनके साथ रहूँगा तो बच जाऊँगा, नहीं तो हाँ वो छोटे वाले को तो मार दिया था इसने, तो अभी चलते हैं। सही, देखिए इसको ऐसे बचाना हो रहा है, वो देखिए वहाँ से आगे आले डब्बो, इधर आ इधर इधर इधर, हाँ इधर आ, हमारे साथ ही बचेगा तू। ऊपर ना चढ़ जाए, एक को तो इसने उसकी एरिया में जाके मारा था ना, तभी तो भोंक रहे हैं। ये देखिए भाई फाइनली हम अपने उसमें जंग में सक्सेस हो गए हैं, जंग जीत गए और इसको लेके आ गए हम वापस सही सलामत डब्बू को। तो चलते हैं अभी, चलो चलो लो, चलो चलो चलो, ये हमारा डब्बू। तो फिर आ गए, इसको कितना कहाँ कहाँ से बचाएं यार, फिर उधर जा रहा है, इधर आ। आज करेंगे हम होममेड कुकिंग, और यहाँ पे धर्मेंद्र सेब ले रहा है आलू, चार लोग हैं, आज बनाएंगे बढ़िया सी सब्जी, और सब्जी बनाएंगे आकाश भाई यहाँ पे, और सो देखते हैं आज बनाते हैं आलू गोभी विद पराठे। सो अभी देखते हैं क्या क्या लेते हैं, दिखाते हैं आपको। आलू ले लिया क्या, टमाटर तो मैं को नहीं, टमाटर ले लूँ है था कदू 250 ग्राम, तो एक दिन तो खाने भाई। हाँ कोई नहीं, आज के हम रूम पे, और आज बना रहे हम सब्जी, सब्जी सब्जी बना रहे हैं यहाँ पे, वहाँ का सब लगे हैं यहाँ पे सब्जी बनाने में, देखिए ऑरेंज ब्राउन हो रहे हैं, और इधर टमाटर कट के रेडी, तो इधर सब्जी उगा रखी है, और इधर पड़े हमारे मसाले कुछ, और नाइस उधर पराठे, क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड पराठे मिलते हैं, और बहुत अच्छा है ना मेलबर पराठा, तो बहुत बढ़िया पराठा है, और ब्रेड और इधर बना रहे हैं सब्जी, देखते हैं कैसी सब्जी बनती है, उसके बाद बताते हैं आपको क्या टेस्ट है सब्जी का। आज होममेड हमने कहा क्यों ना आज होममेड कुकिंग की जाए, बन चुकी है यहाँ पे सब्जी बन रही है, और पराठे बन रहे हैं साथ में, तो सब्जी दिखाते हैं आपको। ये देखिए आज आज हमने किया होममेड कुकिंग, ओहो अब हमने कहा क्यों ना आज सिंपल सा खाया जाए, और इधर पे हैं पराठे, फिर बना रहे हैं पराठे, तो देखते हैं अभी दिखाते हैं आपको, वो हो जाएगा तब। ओहो हो क्या कलर आया, मज़ा आ गया। हेलो फ्रेंड, सो अभी हम खाना वाना बन चुका है, खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे देखो भाई लोगों को, ये भाई लोग यहाँ पे कर रहे हैं डिनर। सो देखिए और यहाँ पे आते हैं सुबह से भी ड्यूटी से आ चुके हैं। हेलो गाइस, तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं छुट्टी, खाना खाते हैं, तो हम मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद, चलो फिर। हेलो गाइस, सो अभी खाना पीना हो चुका है हमारा, और खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर घूम गए थे, घूमने गए थे, तो आ गए अब सोते हैं, क्योंकि कल मॉर्निंग ड्यूटी है। सो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना,
शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।